आज हम आर्टिकल पर बेस्ड एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसमें 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं और प्रत्येक दिए हुए ब्लैंक में भरने के लिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए, एन, द और नो आर्टिकल। हमें सही ऑप्शन दिए हुए ब्लैंक में भरना है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, ही बॉट डैश यूटेंसिल। अब यहाँ पे हम ब्लैंक में देखते हैं कौन सा ऑप्शन आएगा। तो यूटेंसिल क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो हम यहाँ पे, और जनरल सेंस में यूज़ हो रही, तो यहाँ पे हम ए या एन में से कोई ऑप्शन भर सकते हैं। और यहाँ पे साउंड यूटेंसिल का क्या आ रहा है, कॉन्सनेंट साउंड आ रहा है, यूटेंसिल मतलब या, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए, ही बॉट ए यूटेंसिल। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई बॉट डैश बुक। यहाँ देखिए बुक में भी कौन सा साउंड आ रहा है, बा, यानी कॉन्सनेंट साउंड आ रहा है, तो यहाँ भी कौन सा सही ऑप्शन होगा, ए, आई बॉट ए बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस इज डैश बुक आई वॉन्टेड। तो यहाँ पे भी देखिए दिस इज बुक आई वॉन्टेड। यहाँ पे क्या है, बुक के बारे में एक जानकारी अतिरिक्त दे दी गई है कि दिस इज बुक आई वॉन्टेड, मतलब यह वो किताब है जो मैं चाहता था। तो ये एक विशेष किताब हो गई, और विशेष के सेंस में हम कई का यूज़ करते हैं, दा का। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, दा, दिस इज द बुक आई वॉन्टेड। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही हैज ब्लैंक इंटरेस्टिंग बुक। अब यहाँ भी बुक है, लेकिन बुक से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है इंटरेस्टिंग का। तो यदि कोई कोई नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाता है, तो आर्टिकल उस एडजेक्टिव के साउंड के अनुसार लगता है। तो यहाँ पे बुक से पहले इंटरेस्टिंग आ गया, और इंटरेस्टिंग का साउंड क्या आ रहा है, ई से आ रहा है, मतलब वोवल साउंड है। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ही हैज एन इंटरेस्टिंग बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है, मिस्टर शर्मा इज ब्लैंक्स एम ए इन इंग्लिश। तो यहाँ पे हम देखिए एम ए में काय का साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा ए, यदि बॉबल साउंड है, ए ई आई ओ यू हमारे बॉबल होते हैं, तो बॉबल साउंड के साउंड है, तो हम यहाँ काय का यूज करेंगे, एन का। तो मिस्टर शर्मा इज एन एम ए इन इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई सेल बी बैक इन डैश आवर। तो यहाँ पे आवर, आवर में काय का साउंड आ रहा है, आवर, आ का, मतलब बबल साउंड है, तो यहाँ पे हम काय का यूज करेंगे, एन का, आई सेल बी बैक इन एन आर। नेक्स्ट सेंटेंस है, द गंगा इज ब्लैंक सीक्रेट रिवर। तो यहाँ पे काय का साउंड आएगा, कॉन्सनेंट साउंड है, तो यहाँ पे क्या आएगा, गंगा इज ए सीक्रेट रिवर। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है, लेट अस गो एंड बाथ डैश रिवर। तो यहाँ पे देखिए रिवर से पहले जो डैश है उसमें क्या क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, तो रिवर तो हमारा कॉन्सनेंट साउंड है, लेकिन ये सेंटेंस का अर्थ हम समझे, लेट अस गो, चलो चले, एंड बाथ इन ए रिवर तो नहीं होगा, क्योंकि ए ए क्या ए और इन हम इनडेफिनेट चीज के लिए यूज करते हैं जिसके बारे में हमें कुछ जानकारी ना हो। तो यहाँ पे क्या है, ये रिवर क्या है, एक विशेष रिवर है जिस पे हम नहाने की बात कर रहे हैं, मतलब सामने वाले को उस बारे में जानकारी है। तो ये क्या हो जाएगा, लेट अस गो एंड बाथ इन द रिवर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस हैव यू रीड डैश बाइबल। तो बाइबल क्या है, एक पवित्र ग्रंथ है, और पवित्र ग्रंथ से पहले काय का यूज होता है, दा का। तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट क्या हो जाएगा, हैव यू रीड द बाइबल, करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी। नेक्स्ट सेंटेंस है, सी इज डैश अगली। तो यहाँ पे काय का प्रयोग होगा, अगली में हमारा साउंड तो आ का आ रहा है, तो यह क्या यहाँ हम एन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि अगली क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के लिए हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, आर्टिकल का प्रयोग तो हम नाउन के लिए करते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, नो आर्टिकल, सी इज अगली। नेक्स्ट सेंटेंस है, सी इज डैश अगली गर्ल। तो यहाँ पे अब हमें नाउन मिल गया है, यहाँ पे गर्ल नाउन हो गया, तो हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगली काय का साउंड हो गया, वोवल साउंड, अगली, आ का। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, एन, सी इज एन अगली गर्ल। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही प्लेज डैश तबला। तो यहाँ पे तबला क्या है, तबला है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले हम काय का प्रयोग करते हैं, दा का। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, दा, ही प्लेज द तबला। नेक्स्ट सेंटेंस है,
डैश गर्ल्स आर प्लेइंग फुटबॉल, तो इस सेंटेंस में गर्ल्स क्या हो गई, प्लूरल नाउन हो गई, और प्लूरल नाउन यदि जनरल सेंस में यूज हो रहा है तो उससे पहले नो आर्टिकल, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी। नेक्स्ट सेंटेंस है, डैश क्रूएल्टी टू एनिमल इज ए पनिशेबल ऑफेंस, मतलब जानवरों के प्रति क्रूरता दंडनीय अपराध है। तो यहाँ पे क्रूरता क्या हो गया, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन यदि जनरल सेंस में यूज हो रहा है तो उससे पहले हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी, नो आर्टिकल। नेक्स्ट सेंटेंस है, ब्रिंग मी डैश ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पे हम किसी से क्या कह रहे हैं, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, तो यहाँ हम ग्लास को काउंट कर सकते, काउंटेबल नाउन है, और इसका साउंड क्या है, कॉन्सनेंट साउंड है, इसलिए हमने काय का यूज़ किया, यहाँ पे काय का यूज़ करेंगे, ए का, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस है, विंडोज़ आर मेड ऑफ ग्लास, तो यहाँ पे जो ग्लास है ये हमारा 1, 2, 3, 4 काउंटेबल ग्लास नहीं है, पानी लाने वाले ग्लास नहीं है, यहाँ पे हम एक मटेरियल नाउन की तरह इस ग्लास का यूज़ कर रहे हैं, और मटेरियल नाउन यदि हमारा जनरल सेंस में यूज़ हो रहा है तो उसके साथ हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका इस सेंटेंस का अर्थ क्या है, विंडोज़ आर मेड ऑफ ग्लास, मतलब विंडो है जो खिड़कियां हैं, ग्लास यानी कांच से बनाई जाती है, यहाँ ग्लास का मतलब कांच है, तो यहाँ में हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, नो आर्टिकल, विंडोज आर मेड ऑफ ग्लास। नेक्स्ट सेंटेंस है, डैश अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, मतलब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तो ये हमारे प्लैनेट से पहले हम काय का यूज़ करते हैं, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी इनसे पहले हम काय का यूज़ करते हैं, दा का, तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, दा। नेक्स्ट सेंटेंस है, डैश मैन इज द ओनली लिविंग क्रीचर दैट कैन स्पीक, मतलब आदमी मात्र जीवित ऐसा प्राणी है जो बोल सकता है, तो यहाँ पे आदमी या मनुष्य यदि संपूर्ण जाति का प्रतिनिधित्व करे तो उसके पहले हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नो आर्टिकल। नेक्स्ट सेंटेंस है, डैश हेडमास्टर इंस्ट्रक्टेड द टीचर्स, तो यहाँ पे हेडमास्टर क्या हो गई, एक ऑनरेबल पोस्ट हो गई है, और यहाँ पे जैसे हेडमास्टर प्रिंसिपल इनसे पहले हम काय का यूज करते हैं, दा का, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, दा। नेक्स्ट सेंटेंस है, डैश फर्स्ट एग्जाम्पल इज वेरी इजी, तो यहाँ पे फर्स्ट आया यानी ऑर्डर बता रहे हैं, और ऑर्डर बताने से पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड से पहले हम काय का यूज करते हैं, दा का, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सी, दा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आई नीड डैश मनी, तो यहाँ मनी क्या है हमारी, अनकाउंटेबल नाउन है, मनी मतलब धन, तो अनकाउंटेबल नाउन यदि जनरल सेंस में यूज हो रही तो उससे पहले हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए नो आर्टिकल। नेक्स्ट सेंटेंस है, वेयर इज डैश मनी, तो यहाँ पे जो मनी यूज हो रही है ये हमारी अनकाउंटेबल नाउन तो है, लेकिन यहाँ पे मनी जो यूज हो रही है वो एक विशेष अर्थ में हो रही है, वेयर इज मनी का मतलब वो धन कहाँ है, तो मतलब कोई खास धन की बात हो रही है, तो इसलिए हम इससे पहले हम दा का यूज करेंगे, तो वेयर इज द मनी, तो यहाँ पे हम दा का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही गोज टू डैश चर्च डेली, तो यहाँ पे चर्च क्या हो गया, पब्लिक प्लेस हो गया, चर्च, स्कूल, हॉस्पिटल, इन जगहों पे यदि हम उसी उद्देश्य के लिए जाएं जिस चीज़ के लिए ये बनी है तो हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, तो यहाँ पे नो आर्टिकल। यदि चर्च हम प्रार्थना करने जाएं, हॉस्पिटल इलाज करने जाएं, स्कूल पढ़ने जाएं, तो उस कंडीशन में हम इनके साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम चर्च के साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई मेट हिम, मैं उससे मिला नियर डैश चर्च, तो यहाँ पे चर्च का यूज़ हम प्रार्थना करने के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी और उद्देश्य की पूर्ति के लिए बता रहे हैं कि वो उसके पास मिला, तो ये एक विशेष चर्च की बात हो गई, तो इसलिए यहाँ पे हम काय का यूज़ करेंगे, दा का, आई मेट हिम नियर द चर्च। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे आर डैश ब्रदर एंड डैश सिस्टर, तो जो हमारे रिश्ते नाते होते हैं, मतलब सिस्टर, मदर, ब्रदर, इनका यदि हम जनरल सेंस में यूज़ करें तो इनसे पहले हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हमारे ये फर्स्ट ऑप्शन में भी नो आर्टिकल और सेकंड में भी नो आर्टिकल। नेक्स्ट सेंटेंस है, डैश फादर इज आउट टुडे, मतलब पिताजी आज बाहर हैं, तो यहाँ भी ये क्या आ गया हमारा, एक रिलेशनशिप आ गया, और जनरल सेंस में यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, नो आर्टिकल, फादर इज आउट टुडे।
नेक्स्ट सेंटेंस है डैश फादर वाज द टॉलेस्ट इन द फैमिली। तो यहाँ भी फादर का एक रिलेशन ही है, लेकिन यहाँ पे फादर के विशेष गुणों की बात की जा रही है कि पिताजी परिवार में सबसे अधिक लंबे थे। तो यहाँ पे जब गुणों के बारे में हम बताएं तो उस कंडीशन में हम इनके साथ का यूज़ करेंगे द का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा सी द, द फादर वाज द टॉलेस्ट इन द फैमिली। नेक्स्ट सेंटेंस है डैश महात्मा गांधी इज डैश फादर ऑफ द नेशन। अब यहाँ पे दो ब्लैंक हैं, तो पहले ब्लैंक में यहाँ क्या है महात्मा गांधी एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम है, तो क्या है यहाँ पे हम द का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं, ये क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है, तो महात्मा गांधी से पहले हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, प्रॉपर नाउन है, नो आर्टिकल। नेक्स्ट ब्लैंक में हम देखते हैं यहाँ पे, तो फादर क्या गया एक फादर रिलेशन हो गया, लेकिन हम यहाँ फादर का यूज़ क्यों कर रहे हैं? तुलना करने के लिए कि महात्मा गांधी इज फादर ऑफ द नेशन, मतलब राष्ट्र के पिता हैं, तो यहाँ पे हम तुलना करने के लिए कर रहे हैं पिताजी से हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम काय का यूज़ करेंगे द का, करेक्ट ऑप्शन। तो इस वाले ब्लैंक में हम द का यूज़ करेंगे और यहाँ पे नो आर्टिकल। नेक्स्ट सेंटेंस है हु इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहाँ भी शेक्सपियर आया और शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है, तो क्या यहाँ पे हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें? नहीं, यहाँ भी क्या है एक तुलना करने के लिए वाक्य में प्रयोग किया गया है शेक्सपियर का, तो इसलिए यहाँ पे हम काय का प्रयोग करेंगे द का, हु इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव डैश ब्रदर। तो यहाँ भी एक ब्रदर क्या गया, एक रिलेशन आ गया, तो रिलेशन से पहले हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हम एक संख्या एक मात्रा के बारे में बात कर रहे हैं। आई हैव ब्रदर, कितने ब्रदर? एक, और कॉन्सनेंट साउंड है तो हम ए का यूज करेंगे, आई हैव ए ब्रदर। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम लिसनिंग टू डैश म्यूजिक, और म्यूजिक से पहले हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? डी, नो आर्टिकल। नेक्स्ट सेंटेंस है राधा लाइक्स डैश म्यूजिक ऑफ इंडिया। तो यहाँ भी म्यूजिक है, लेकिन म्यूजिक के बाद ऑफ लगाकर एक स्थान का नाम दे दिया, म्यूजिक ऑफ इंडिया, मतलब एक विशेष म्यूजिक की बात हो गई, और हमारा ये स्ट्रक्चर क्या हो गया? नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर हो गया, तो फर्स्ट नाउन से पहले हम द का प्रयोग करेंगे, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, राधा लाइक्स द म्यूजिक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट सेंटेंस है बी लाइक डैश हिस्ट्री एंड डैश फिजिक्स। तो ये क्या, हिस्ट्री फिजिक्स क्या है हमारे सब्जेक्ट हैं, और सब्जेक्ट से पहले नो आर्टिकल, तो यहाँ भी हमारा नो आर्टिकल और यहाँ भी नो आर्टिकल। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज डैश टाइपिस्ट। तो टाइपिस्ट क्या एक पद है, पद से पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे हमारा साउंड क्या है? साउंड है हमारा कॉन्सोनेंट, तो इसलिए हम यहाँ पे काय का यूज करेंगे? ए का, ही इज ए टाइपिस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन डैश टाइपिस्ट टाइप्स वेरी फास्ट। तो यहाँ पे मोहन एक नाम है, और नाम के बाद यदि उसका पद आ जाता है तो हम क्या करते हैं? उस पद से पहले द का यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोहन द टाइपिस्ट टाइप्स वेरी फास्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी, द। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मिल्क कम्स फ्रॉम डैश काउ। तो यहाँ पे यानी गाय से दूध मिलता है, तो यहाँ एक गाय की बात नहीं हो रही, गाय की जाति की बात हो रही, तो इसलिए जाति को बताने के लिए हम काय का यूज करेंगे यहाँ पे? द का, मिल्क कम्स फ्रॉम द काउ। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर इज डैश डर्ट ऑन द प्लेट, मतलब प्लेट के ऊपर धूल है, तो डर्ट क्या है हमारी? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन यदि जनरल सेंस में यूज हो रही तो उससे पहले हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी, नो आर्टिकल। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम फॉन्ड ऑफ डैश मिल्क एंड डैश टी। तो मिल्क और टी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन यदि जनरल सेंस में यूज हो रही है तो उनसे पहले हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, तो हमारे फर्स्ट ब्लैंक में भी नो आर्टिकल और सेकंड में भी नो आर्टिकल, हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। नेक्स्ट सेंटेंस है यस्टरडे आई सा डैश यूरोपियन राइडिंग ऑन एन एलिफेंट। तो यहाँ पे यूरोपियन काय का साउंड है? या का, तो यहाँ पे काय का यूज करेंगे हम? ए का, ए यूरोपियन, करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ए। नेक्स्ट है ही नोज डैश इंग्लिश। इंग्लिश यहाँ पे क्या है? एक लैंग्वेज का नाम है, तो लैंग्वेज के नाम से पहले हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट सेंटेंस है डैश इंग्लिश ऑफन फॉर द फ्रेंच।
तो इस सेंटेंस में हम देखें तो इंग्लिश यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए नहीं यूज़ किया जा रहा है, इंग्लिश लोगों के लिए यूज़ किया जा रहा है। मतलब इंग्लिश अंग्रेज लोग फ्रेंच लोगों से अक्सर लड़ते थे, तो यहाँ पे हम काय का यूज़ करेंगे, द का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी, द इंग्लिश ऑफन फॉट द फ्रेंच। नेक्स्ट सेंटेंस है, डू यू प्ले डैश फुटबॉल। तो फुटबॉल क्या हो गया, एक खेल का नाम हो गया, और खेल के नाम से पहले हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी, नो आर्टिकल। नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हाट डैश गुड बुक दिस इज। तो इस प्रकार के सेंटेंस में व्हाट के बाद यदि कोई नाउन आता है और यदि उसका नाउन का साउंड यदि कॉन्सनेंट है तो हम ए का यूज़ करते हैं, और वॉवल है तो एन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम काय का यूज़ करेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है ए का, व्हाट ए गुड बुक दिस इज। नेक्स्ट सेंटेंस है, सी इज डैश टालर देन हर सिस्टर। तो यहाँ पे टालर क्या है, टालर है हमारा कंपेरेटिव एडजेक्टिव, और कंपेरेटिव एडजेक्टिव से पहले हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी, नो आर्टिकल, सी इज टालर देन हर सिस्टर। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज डैश वर्स्ट प्लेयर। तो वर्स्ट यहाँ पे क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम काय का प्रयोग करते हैं, द का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी, द। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज डैश बेटर ऑफ द टू बॉयज। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो बेटर भी क्या है, हमारा कंपेरेटिव एडजेक्टिव है, लेकिन उसके बाद यदि ऑफ द टू हो तो हम उस कंपेरेटिव एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द, ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस काइंड ऑफ डैश मशीन वर्क्स वेरी फास्ट। तो इस सेंटेंस में हम देखें तो यदि काइंड ऑफ के बाद यदि कोई नाउन आती है तो उससे पहले हम नो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, नो आर्टिकल, दिस काइंड ऑफ मशीन वर्क्स वेरी फास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही हैज डाइड ऑफ डैश मलेरिया। तो यहाँ पे मलेरिया क्या है, एक बीमारी का नाम है, और बीमारी के नाम से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, नो आर्टिकल, ही हैज डाइड ऑफ मलेरिया। नेक्स्ट सेंटेंस है, डैश गोल्ड इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। मतलब सोना ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो यहाँ पे गोल्ड क्या है, हमारी मटेरियल नाउन है, और यदि मटेरियल नाउन जनरल सेंस में यूज हो रही तो उससे पहले हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, तो करेक्ट आंसर क्या है, डी, नो आर्टिकल, गोल्ड इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट सेंटेंस है, डैश गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज प्योर। मतलब इस अंगूठी का सोना शुद्ध है। तो यहाँ पे गोल्ड हमारा मटेरियल नाउन तो है, लेकिन ये एक जनरल सेंस में नहीं हो रही, एक विशेष गोल्ड की बात हो रही, गोल्ड ऑफ दिस रिंग मतलब इस रिंग का सोना शुद्ध है। तो यहाँ पे गोल्ड क्या है, जनरल सेंस में यूज नहीं हो रहा, विशेष अर्थ में यूज हो रहा, तो यहाँ पे हम द का यूज करेंगे, द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज प्योर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, द। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।